नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के इस रिपोर्ट में। और बिहार में जो है कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए जो है सीएम ने जो है आदेश जारी कर दिया है, नई गाइडलाइन यानी कि आ चुकी है। फिलहाल आप सभी को हम ये बता दें कि बिहार में कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा। कोरोना के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए जो है कुछ अहम निर्णय जो लिए गए हैं आने वाले समय में। अभी आप सभी को मालूम है कि शादियों का सीज़न शुरू होने वाला है, साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिस पे जो है अभी फ़िलहाल रोक लगाया जाएगा। और समाज सुधार अभियान जो है चलाया जाने वाला था उसे भी जो है फ़िलहाल स्थगित कर दिया गया है। और शॉपिंग मॉल्स साथ ही साथ जो है रेस्टोरेंट, इन सभी के ऊपर भी जो है कई पाबंदियां जो है लगाई गई है। सबसे पहला जो है निर्णय लिया गया है, स्टेडियम और स्विमिंग पूल जो है पूर्णतः जो है बंद रहेंगे। इसके बाद जो है कई और भी बड़ी बातें हैं, जैसे कि स्कूल्स को लेकर के भी बातें कही गई है। लेकिन उससे पहले जो है दूसरा जो यहाँ पे मुद्दा है, इसमें बताया गया कि आवश्यक सेवा की जो भी जरूरी चीज़ें हैं वो सभी जो खुली रहेंगी, जैसे कि दुकान वगैरह है और मेडिकल स्टोर्स, ये सभी जो खुले रहेंगे जैसे कि पहले आपको देखने को मिला था, तो ये गाइडलाइंस पे जो सेम रहेगा। इसके बाद जो है शादी विवाह को लेकर के जो है एक बात यहाँ पे जो है फिर से सामने आ चुकी है, 50 व्यक्तियों का ही जो है शादी में जो है आना जाना रहेगा। और जैसा कि पहले आपको जो देखने को मिला था कि 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं शादी के समारोह में, तो यहाँ पे फिर से वही जो है सिस्टम को लिया गया है। साथ ही साथ स्कूल्स को लेकर के सबसे बड़ी बात कही गई है कि 9वीं से लेकर के 12वीं कक्षा की जो क्लासेस चलेंगी वो आधी उपस्थिति के साथ चलेगी, जैसे पहले चलती थी, यानी कि 50% स्ट्रेंथ के साथ चलेगा। तो एग्जामिनेशन क्या होगी इसको लेकर के फिलहाल जो अभी कोई क्लियरिटी नहीं दी गई है। हालांकि 8वीं तक की जो भी कक्षाएँ हैं वो ऑफलाइन जो है बंद रहेंगी पूर्णतः, ऑनलाइन क्लासेस जो है चलेंगे। ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर जो है बढ़ावा दे दिया गया है, जोर दिया गया है, यानी कि 8वीं तक की जितनी भी क्लासेस है वो ऑनलाइन के माध्यम से चलेगी, ऑफलाइन नहीं चलेगी। और सभी DM को आदेश दे दिया गया है। हालांकि 9वीं से 12वीं तक की कक्षा जो है आधी स्ट्रेंथ के साथ चलेगी। सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय में जो 50% उपस्थिति रहेगी, यानी कि जो पहले आपको नियम देखने को मिले थे वही नियम दोबारा जो है आपको देखने को मिल रहे हैं। हालांकि अभी बिहार गवर्नमेंट की तरफ से परीक्षाओं को लेकर के कोई भी बातें नहीं कही गई हैं। अभी सारी नियमों को लेकर के जो है एक आपको सूचना पत्र देखने को मिलेगा जिसमें कि सूचित किया जाएगा सभी को, उसमें हो सकता है कि कुछ एग्जामिनेशन से रिलेटेड बातें कही जाएंगी। तो अगर उसमें कोई चीज़ ऐसी आती है एग्जामिनेशन से रिलेटेड तो हम आपको जो है ज़रूर अपडेट करेंगे। पूजा स्थल वगैरह यानी कि मंदिर वगैरह जो है पूर्ण रूप से जो है बंद कर दिए गए हैं, अभी श्रद्धालु नहीं जा सकते हैं मंदिर वगैरह में। और बिहार में लॉकडाउन की स्थिति नहीं है, इसलिए फिलहाल अभी लॉकडाउन लगने वाली नहीं है। बाकी जो भी चीज़ें हैं जिस तरीके से चल रही थी उसी तरीके से चलेंगी। अभी बसों के परिचालन पर भी जो है कोई खबर नहीं आई है। तो फिलहाल अभी की जो रिपोर्ट्स यही है, जब आपको एक सूचना पत्र जो कहते हैं, जो सूचना पत्र जारी किया जाता है वो जब आ जाता है तो उसमें और भी चीज़ें जो है खुल करके सामने आएंगी, तो उसके आने के बाद ही जो है कुछ और बातें आपको पता चली। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और हर एक अपडेट्स आप लोगों को जो है जल्द से जल्द मिल पाएगी हमारे चैनल की तरफ से। तो हम चलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।